हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छी तरह से अपना ख्याल रख रहे हैं। और वैसे बालों की समस्या बहुत लोगों को होती है, बाल बहुत से लोगों के झड़ जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं असमय असमय जो बाल सफ़ेद होते हैं। आज के डेट में मैंने नोटिस किया है, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गोइंग हैं, सेवन स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, उनके पूरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। इसके रीज़न भी बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि अगर आपके घर में फैमिली में मतलब पहले से किसी के बाल, अगर आपके मम्मी पापा के बाल सफ़ेद हैं तो वो बच्चे में भी पास ऑन हो जाता है, बच्चे को भी वो प्रॉब्लम होती है। तो ये प्रॉब्लम को आप अपने घर पे नेचुरल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। साथ ही साथ देखिए, अपने खाने पीने में भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करिए, जैसे कि स्प्राउटेड चीजें बहुत अच्छे होते हैं, बादाम बहुत अच्छे होते हैं, अलसी फ्लैक्सीड्स बहुत अच्छे होते हैं, इनका इनटेक करना शुरू करिए। बाल काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं, बालों में एक बहुत अच्छी सी चमक भी आती है। आप लंबे समय तक के लिए कि बहुत आगे जाके भी आपके बालों को आप अपना सफ़ेद होने से बचा सकते हो। और जैसे ही अगर आप एज भी कर रहे हो, फिर भी जैसे 80 या फिर 90 में भी पहुंच गए, फिर भी आपके बाल आप अपने बालों को काला बना करके रख सकते हो। मैं यहाँ पे सबसे एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगी, जो सरसों का तेल होता है ना फ्रेंड्स, काफी ज्यादा अच्छा होता है। मैंने खुद देखा है, जो नॉर्थ साइड में लोग जो सरसों को इंटेक भी करते हैं, सरसों का तेल अपने बालों पे लगाते हैं, अगर उनके बालों को आप देखो तो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, काले होते हैं। इवन मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं सरसों के तेल में बहुत सारी चीजें ऐसे DIY प्रिपेयर करती हूँ और सरसों के तेल से ही अपने बालों को पूरा अच्छे से मालिश करती हूँ। बहुत ही छोटा सा एक रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे कि आप सरसों के तेल में बना करके अपने बालों पर जरूर लगाइए। इससे आपके बालों को एक बूस्ट मिलेगा, एक नई जान मिलेगी, बाल आपके काफी ज्यादा हेल्दी हो जाएंगे और नॉरिशमेंट तो बहुत मिलने वाली है। बालों की जो स्ट्रैंड्स हो जाती है, जो होती है, जो हमारे बाल बीच बीच में से टूट जाते हैं, ब्रेकेज हो जाते हैं, हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होती है, इन सारी प्रॉब्लम से भी आपको बचाता है। तो आपको क्या करना है, हेल्दी हेयर के लिए आपके स्कैल्प को सबसे पहले हेल्दी करना है आपको। देखिए, सरसों का जो तेल होता है वो काफी ज्यादा थिक होता है और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें ऐड करनी है, जिससे कि आप अपने बालों को, जो जड़ों से बाल हैं आपके, बहुत ही अच्छे से ग्रो होने वाले हैं, जो रीग्रोथ है होगी आपके हेयर की वो काफी ज्यादा ब्लैक में होने वाली है। यहाँ पे कोई भी आपको और भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, जो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रही हूँ आप उसे ही एक बार जरूर ट्राई करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं इस रेमेडी को किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है और इसे अपने बालों पे, जड़ों पे लगाना जरूर स्टार्ट कर दीजिए। आपको सिर्फ मालिश करना है रात के समय और बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आपके बाल अगर सफ़ेद हैं, आप अपने प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर को इस तेल को प्रिपेयर करके अगर काला करना चाहते हैं तो रेमेडी है आप लोगों के लिए। इसे बहुत ही आसान तरीके से आप बना सकते हैं घर पे। लोहे का पैन आपको लेना है, सरसों का तेल लेना है, किसी भी ब्रांड का आप सरसों का तेल यूज़ करते हैं घर में, किचन में अवेलेबल होता है, हर कोई इंडियन फैमिली में इसे यूज़ करता है। सरसों का तेल आपको लेना है 102 बड़े चम्मच, उसमें आपको मिलाना है मेहंदी। मैं यहाँ पतंजलि का ले रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का यहाँ पर मेहंदी ले सकते हो, ब्लैक मेहंदी ले सकते हो, और भी अच्छा कलर आपको देखने के लिए मिलेगा। मेहंदी आपको यहाँ पे डालना है कलौंजी, जो मंगरेल होते हैं उसे डालना है। नॉर्थ इंडियन साइड में ये बहुत ही इजीली मिल जाता है। कलौंजी को आपको बारीक पीस करके इस तरह से डाल देना है। जो कलौंजी होता है ये बालों को बहुत ही तेजी से काला करते हैं, जो सफ़ेद बाल होते हैं उन्हें बहुत तेजी से काला करने का फिर से काम करते हैं। तो बालों को आप रिवर्स कर सकते हो, ग्रे हेयर को, प्री मेच्योर ग्रेइंग हेयर को रिवर्स करने का बहुत अच्छा काम करती है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आपको ना बॉइल देना है थोड़ा सा, उसके बाद आप गरम कर लीजिए। गरम करने के बाद आप यहाँ पे स्ट्रेनर की हेल्प से उसे छान लीजिए, ठीक है। जो भी कर्ण रहे वो आपके बालों में ना फंसे, इसीलिए मैं यहाँ पे इसे अच्छे से स्ट्रेन आउट कर रही हूँ, ठीक है। और देखिए, हमने इसे स्ट्रेन आउट करने के बाद ये कुछ इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इसे स्टोर करके महीनों भर के लिए बना करके रख सकते हो और जहाँ भी आपको लगे कि आप अपने सफ़ेद बालों को काला करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से, तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल है फ्रेंड्स। इसका यूज़ करते करते आप खुद नोटिस करोगे कि कब आपके बाल जड़ से काले हो गए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बाल सच में पूरे अच्छी तरह से काले हो चुके हैं इस ऑयल को लगाते लगाते। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आए, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक करिएगा। रात में इस ऑयल को जरूर